लोगों भाई कैपेसिटर्स इन सीरीज। अच्छा रजिस्टर वाला याद है थोड़ा बहुत? तो रजिस्टर पहले तो रजिस्टर वाला जल्दी से है ना रिवाइज करते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज क्या होते थे बता, कब बोलते हैं सीरीज में? ये आर वन है, ये आर टू है, हाँ। तो जब करंट दोनों रजिस्टर में क्या हो, सेम हो, तो हम बोलते हैं सीरीज, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट हो जाता है समेशन आर आई, है ना, या फिर आर इक्वल टू इंटीग्रेंट डी आर। बात तो वही है, अरे इंटीग्रेशन भी तो समेशन ही होता है ना, ठीक है। रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता था बताओ, इसकी कंडीशन क्या थी भाई? इसकी कंडीशन थी सेम करंट, क्योंकि देखो अपन रजिस्टर सबको पता होता है, उससे अपन बाकी बताएं रिलेट करके याद कर लें। रजिस्टर्स इन पैरेलल कंडीशन क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सेम वोल्टेज, बिल्कुल सही। तो इन दोनों में सेम क्या होना चाहिए, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। दिख रहा है भाई कंडक्टर के इधर पोटेंशियल सेम, इधर सेम है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समय वन वाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन वन वाई आर आई, या फिर वन वाई आर इक्वल टू इंटीग्रेंट वन वाई डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं होता लोगों को ना, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया रजिस्टर, तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में बात कर रहे थे ना। तो सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन क्या होगी ना, दिखने में तो सबको पता है ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, है ना। तो कंडीशन क्या है, जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं, मतलब ये दोनों प्लेट कनेक्टेड हैं, इन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जिस हाँ जाओ, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू होगा, तो इस पे कितना होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए, इसका कैपेसिटेंस सी एन है, इसका सी टू है ना। तो लिखो भाई कंडीशन लिखो, सो साइड में नोट करके तो लिख लो, उससे कंपेयर करेंगे ना, करें। तो लिखो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन कनेक्टेड प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये क्लियर है, कनेक्टेड मतलब क्या, हमें इन दोनों की बात नहीं करो, इनका तो होता ही है ये तो, वरना कैपेसिटर ही नहीं कहलाएगा। इन पे तो इक्वल एंड अपोजिट हो गई होगा, समझ रहे हो, इनकी बात नहीं कर रहे, ये तो कैपेसिटर तभी कहलाएगा। अब दो कैपेसिटर को सीरीज में कब बोलेंगे, कनेक्टेड प्लेट्स मतलब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कनेक्टेड है ना वायर से, इन पे इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, क्लियर है क्या? क्वेश्चन करें, थ्री कूलम माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर, आर दीज कैपेसिटर्स इन सीरीज, नॉट सीरीज, दिखने में लग रही है बट दिस इज नॉट ए सीरीज। अगला क्वेश्चन, प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, क्या ये सीरीज में है? क्यों थ्री थ्री है तो इक्वलेंट अपोजिट, तो आप समझाए पहले तो सीरीज में पहचानने का तरीका इक्वलेंट अपोजिट, दिखने से कुछ नहीं होता कि दिख रहे हैं, दिख तो सारे सीरीज में रहे, दिखने से कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी सेम करंट, यहाँ पर भी दिखने से कुछ नहीं होता, सेम करंट इज द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, कनेक्टेड प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे इक्वल है, अपोजिट तो है ही नहीं, यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, तो दिस इज सीरीज नहीं, ये दोनों सीरीज नहीं है। क्या ये सीरीज है? हाँ ये सीरीज है, ये दोनों नहीं। लिखो तो अब इनके कभी ना कभी आने के चांसेस हैं एग्जाम में, क्यों है? पहले तो आई टी ए करता है, जो अभी तक नहीं आया वो पूछता है, हमेशा ऐसा करता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, जो चीज़ें टच नहीं करी गई, वो गिनी चुनी चीज़ें जो टच नहीं करी उनमें से एक ही है ना। वैसे तो हम प्रेडिक्शन वगैरह जैसे कुछ काम करते नहीं है, हमें करने नहीं, हमें तो पूरी फिजिक्स पढ़नी है, पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आता है, हर साल होता है ऐसा, हर साल, और ये उनमें से एक है जो अभी तक नहीं आया वो आ सकता है, ठीक है। जैसे एक मैं बता रहा हूँ अभी 2017 की बात, वन ईयर कैलिपर होता था ना, पढ़ लिया वन ईयर कैलिपर तुम लोगों ने? पढ़ लिया है, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि। तो वन ईयर कैलिपर में भाई सबको फॉर्मूला आता था, ये लगाना आता था, वो आता था, पर काम कैसे करता है ये नहीं पता था ना, ये पढ़ाते थे सुनो, एक्चुअल काम कैसे, वो फॉर्मूला आता कहाँ से, क्यों काम करता है वन ईयर के लिए, पर इसका देखो इसकी ये मैन इसके लीडिंग देखो, वन ईयर इसके लीडिंग देखो, दोनों मैच कर जाते हैं तो निकल जाता, क्यों निकल जाता है, तो ये समझने में कोई ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो मेरा भी डाउट था, मैं जब कॉलेज में था ना तब समझ में नहीं आता था, पर मैंने खुद से सोचा मुझे समझ में आ गया एक दिन कि भाई कैसे होता है भाई, वही ना तुम्हें सोचना होता है, सोचते तो तुम्हें दिखने लगता है। तो मैं पढ़ाता था भाई, मुझे तो मज़ा आता है, मुझे पढ़ाते मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, सीधी सी बात है। 2017 में एक क्वेश्चन आया, जिसको अगर ये नहीं पता, फॉर्मूला तो सबको पता होता है, जिसको अगर ये नहीं पता कि वर्नियर कैलिपर एक्चुअली में काम कैसे करता है, वो कर ही नहीं सकता उस क्वेश्चन को, सिर्फ वो बंदा कर सकता है क्योंकि उन्होंने वर्नियर का पूरा कंसेप्ट ही हिला दिया। जनरली क्या होता है, वर्नियर की वर्नियर में लाइंस ज़्यादा होती है मैन स्केल से ना, उन्होंने वर्नियर को कम कर दिया, अब सारे फॉर्मूले सब कुछ उल्टा सीधा चेंज हो गया,
अब तुम जो फॉर्मूला थे वो लगा नहीं सकते थे, अब नया फॉर्मूला तुम्हें बनाना था, वो कब बनेगा जब तुम्हें कंसेप्ट पता है, तो ऑन द स्पॉट तुम्हें कंसेप्ट बनाना है, लगाना है, फिर करना है क्वेश्चन। बड़े आगे बढ़े, तो चलो अब निकाल लेते ना सीरीज, ये तो हो गया, ये पता चल गया किसको सीरीज नहीं बोलते। चलो अब इसको सीरीज बोलते हैं तो कैसे करें, निकालना है हमको, है ना, तो हमको निकालना है भाई इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन दो को हटा के अगर एक लगा दे तो कितना आएगा, तो कंप्लीट कर दो, एक बैटरी लगा दो इस पर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसका पोटेंशियल वी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, बोल सकते हैं किरचॉफ लॉ से V इक्वल टू V1 प्लस V2, कोई दिक्कत है क्या, तो चलो कोई बात नहीं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V, ठीक है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, इसके अक्रॉस है पोटेंशियल ड्रॉप V2, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या है, देखो अच्छा बैटरी से इंट्रोड्यूस नहीं है, बैटरी नहीं पता क्या होता है, तो देखो बैटरी भाई कोई चीज़ है, कोई डिवाइस है, इसको मैं बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगा कब, जब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पूरा मैकेनिज्म वगैरह कैसे क्या होता है नहीं होता, बैटरी फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, सब समझाऊंगा, अभी हल्का सा समझ। बैटरी एक डिवाइस है, एक प्लेट बड़ी बनाते हैं एक छोटी बनाते हैं, बड़ी वाली प्लेट कहलाती है पॉजिटिव टर्मिनल, ये कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल, ये क्लियर। बैटरी एक ऐसा सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितना भी चार्ज निकाल लो ये हमेशा बी का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, हमेशा कुछ भी हो जाए, इसको वोल्टेज बोलते हैं ना, जैसे 100 वोल्ट की बैटरी है तो वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करेगी, वो कैसे मेंटेन करती है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो, तुम एक तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, दूसरा एक बैटरी में तुम्हें बताऊंगा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, अपनी फिजिक्स वाली बैटरी, ठीक है, बाकी तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बढ़ा रहा था, वो कैसे करता है वो इंटरनल मैकेनिज्म वो तुम्हें पता है बैटरी का, पढ़ लिया क्या फिजिकल केमिस्ट्री में, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा जब पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, बस तुम्हारे क्या ध्यान रखना है, बैटरी एक डिवाइस है कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा और नेट चार्ज जीरो देता है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन करेगा हमेशा और नेट चार्ज कितना देगा जीरो, मतलब अगर इस प्लेट से 10 कूलम निकला तो इस प्लेट से माइनस 10 कूलम निकलेगा, इस प्लेट से 100 कूलम निकला तो इस प्लेट से माइनस, हमेशा समझ में आ गया, ये चार्ज के टर्म में, करंट के टर्म में ऐसा बोल सकते हैं, अगर इधर से 10 एम्पीयर निकल रहा है तो इसके अंदर 10 एम्पीयर आएगा, करंट के टर्म में ऐसे बोल सकते हैं, ये अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो हमें चार्ज के टर्म में बात करनी है क्योंकि कैपेसिटर है, समझ में आ गया, तो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज का ये पॉइंट्स अभी मैं तुम्हें लिखवा भी दूंगा। तो ये क्यों क्या होगा, क्यों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, समझ में आया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो V आ रहा है, यहाँ से आ तक V का ड्रॉप है। अच्छा किसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका C1 C2 है ना, अच्छा Q क्या होता है तुम्हारा CV, तो V क्या हो गया Q बाय C। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर इन दो कैपेसिटर की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा दूं जिसपे अगर मैं सेम बैटरी लगाऊं, समझ में आ गया, बैटरी में सेम लगा रहा हूं और इन दो की जगह अगर एक कैपेसिटर यूज करूं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो कि चार्ज बैटरी से सेम निकले, समझ में आ गया। अगर यहां पे बैटरी से देखो प्लस क्यू निकला, इधर क्यू आया तो इधर माइनस क्यू आया, इधर न्यूट्रल नहीं मान लो पहले, इधर माइनस क्यू आएगा तो इधर प्लस क्यू आ जाएगा, इधर प्लस क्यू आएगा तो माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू कहाँ से आया, इधर से निकला, बैटरी से प्लस क्यू निकला, मान लो अभी कोई चार्ज नहीं है इसमें, सोचने का तरीका और बताते हैं ना, मान लो अभी कोई चार्ज नहीं है, तुमने अभी बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी से प्लस क्यू निकला, इधर कितना आएगा प्लस क्यू, और बाहर नहीं याद रखना सारा चार्ज अंदर आएगा ना, वो मैंने बता दिया है, बाहर वाले सर्फेसेस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये तो पढ़ा है ना टोटल बाई टू जीरो ही होगा ना, ये तो पढ़ा है नहीं साहब अभी, तो इधर प्लस क्यू आ रहा है, अपोजिट पे अभी पढ़ा था फेसिंग सर्फेस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है पढ़ा था ना, तो इस पर क्या आएगा, ये इनिशियली न्यूट्रल था, इस पे माइनस आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, अब इस पे प्लस क्यों आ गया तो इस पे क्या आना चाहिए, ये माइनस क्यों आएगा कहाँ से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, ये समझ आया, इस तरह से चार्ज निकलता है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि इधर से प्लस चार्ज निकला, असलियत में तो प्लस मूव ही नहीं करता, असलियत में क्या हो रहा है नेगेटिव मूव कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करें इधर आ गए तो इधर अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर गए, ठीक है ना, असलियत में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज इधर जाए, बात तो एक ही है। तो हमें चाहिए, हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए कि अगर इस पे भी प्लस क्यू है और माइनस क्यू, जो चार्जेस इन कैपेसिटर्स पे आ रहे थे वही चार्जेस नए वाले कैपेसिटर पे आए तो क्या हो, वो इक्विवेलेंट है ना। तो V की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा सी क्यू बी, है ना, या फिर बी क्या होता है क्यू बाई सी, तो ये वी हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, वी वन क्या हो जाएगा इसका चार्ज बाई इसका कैपेसिटेंस, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, ये वीडियो क्या हो जाएगा इसका चार्ज बाई इसका कैपेसिटेंस, क्यू क्यू कट गए तो क्या आया तुम्हारा 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस, लिख लो ये क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस, याद रखो इसमें जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस में वो सीरीज का होता है, अल्टीमेटली याद रखना है,
अल्टीमेट ये याद रखना, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, जहाँ यहाँ पे जो पैरेलल का था यहाँ पर वो सीरीज का है, और इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया, सेम बैटरी पे सेम चार्ज आए, सेम बैटरी पे सेम चार्ज आए, आ गया फॉर्मूला याद रहेगा। इसके फॉर्मूले जनरली भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, तो कैसे याद रखते हैं, रजिस्टर का उल्टा, रजिस्टर में जो पैरेलल लग रहा था यहाँ पे वो सीरीज, कैपेसिटर ये पहली बार पढ़ रहे हो है ना, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट, अगर तीन चार है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 है ना, समेशन 1/CI, या फिर इंटीग्रेंट 1/DC, ये वाले से पता है जेई एडवांस के लिए ना, एडवांस लेवल पे आएंगे इस लेवल के क्वेश्चन, और कहीं नहीं आएंगे इंटीग्रेंट वाले, बाकी तो सारे आसानी होंगे। लिख लो कैपेसिटर इन पैरेलल क्या आ जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चलो बना लो, जल्दी से कर दो, तुम करोगे इसको सॉल्व, तो मान लो इधर से Q निकला, इधर से Q चार्ज निकला, इधर पे मान लो Q में से इधर पे Q1 चला गया, इधर पे कितना गया Q2, इधर पे -Q बना जाएगा इधर पे, तो यहाँ पे Q क्या है, Q1 चार्ज है ना, Q1 प्लस Q2, समझ में आ रहा है, इधर से Q निकला, इधर पे Q1 चला गया, इधर पे Q2 चला गया, इधर से -Q1 निकला, इधर से -Q निकला, -Q1 यहाँ चला गया, -Q2 यहाँ चला गया, अब तुम्हें इक्विवेलेंट ऐसा बनाना है, बहुत सही बहुत सही, सबको हो रहा है, इतना चाहिए, देखो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब रजिस्टर के केस में था कि बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करे, यहाँ पर मतलब है बैटरी से सेम चार्ज ड्रॉ करे, अगर यहाँ पर बैटरी से क्यू चार्ज निकला था तो यहाँ पर भी बैटरी से कितना चार्ज निकले, क्यू, चलो लगा देते, क्यू इक्वल टू क्या होता है, CV, तो यहाँ पे लगाओ क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, देखो क्योंकि कंडक्टर से कनेक्टेड है ना, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी कितना होगा V, तो Q1 हो गया C1 इंटू V, Q2 कितना हो गया C2 इंटू V, तो काट दो V भी कट गया, C इक्विवेलेंट क्या आया, तो पैरेलल में जो फॉर्मूला है वो रजिस्टर के सीरीज में था, तो जनरल हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन CI, और C इक्विवेलेंट इक्वल टू अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेंट DC कॉमिक्स, एक नोट लिख लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्रॉज द सेम चार्ज फ्रॉम द बैटरी एज ड्रॉन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये दोनों मिलके जितना चार्ज निकाल रहे हैं ये भी उतना ही चार्ज निकाल रहे हैं, ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की है ना, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, करंट में ये क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट विच ड्रॉज सेम चार्ज फ्रॉम द बैटरी एज ड्रॉन बाय द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो वहां पे यहां पे सेम चार्ज ड्रॉ करता है, वहां पे सेम करंट ड्रॉ करेगा, इतना ही फर्क है, ठीक है क्या, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।